वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल मेक टेक सुमन पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक लेद मशीनों में थ्रेड कैसे काटा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमें किसी सिलिंड्रिकल जॉब पर थ्रेड चाहिए होते हैं, तभी हम थ्रेड कटिंग करते हैं। थ्रेड दो तरीके का होता है, एक है एक्सटर्नल थ्रेड, एक है इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि हमें जो बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड दिखाई देता है वो है एक्सटर्नल थ्रेड, और नाट की अंदर जो थ्रेड दिखाई देता है वो है इंटरनल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड हम जब कटते हैं तो लेद मशीनों में कटते हैं या फिर डाई से कटते हैं। डाई से तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब लेद मशीनों से कैसे थ्रेड काटा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये है एक चाक जो घूमते हैं, जिसमें जिस लाइव सेंटर होता है वहाँ जॉब को होल्ड किया जाता है, एज वेल एज उसे रोटेशन दिया जाता है। उसके साथ लगा होता है स्पिंडल गियर। स्पिंडल गियर से पावर जाता है लीड स्क्रू में, और उसके बीच में होता है एक और गियर। इन गियरों को बोलते हैं चेंज गियर। तो जॉब को चाक ने पकड़ा है और घुमा भी देते हैं, और टेल स्टॉक क्या करता है, जॉब को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि जॉब में ऑस्किलेट या वाइब्रेशन ये सब अवॉइड हो सके। तो लीड स्क्रू के साथ जुड़े रहते हैं हमारे जो कैरेज, जिसमें हम टूल को कैरी करते हैं। तो कैरेज के साथ एक और चीज़ एक्सेसरीज जो है वो लगा रहता है, उसका नाम है हाफ नट। वो उसमें दो स्प्लिट होते हैं नट के, जो दो स्प्लिट को जब हम लीड स्क्रू के करीब लाते हैं तो वो एक सिंगल नट की तरह काम करता है। कैरेज में होता है टूल पोस्ट, टूल पोस्ट में लगा रहता है टूल। हम थ्रेड कटिंग जब करते हैं तो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होता है। पावर हमारी आते हैं स्पिंडल गियर में। स्पिंडल गियर क्या करता है, चेंज गियरों को घुमाते हैं, और उनका घूमने से क्या होता है, लीड स्क्रू घूमता है। यह हमने बोला था टामलार गियर मैकेनिज्म में, हमने बोला था कि कैसे टूल लीड स्क्रू या फिर रॉड रोटेशन पाते हैं, वो हम डिस्कस किए थे। तो जब लीड स्क्रू हमारी पावर पा चुके हैं, तो हम हाफ नट को जब एंगेज करेंगे तो क्या होगा, हाफ नट को एंगेज करने से लीड स्क्रू का जो रोटेशन है वो कैरिएज में प्रोवाइड होगा, और कैरिएज हमारी लीनियरली मूवमेंट करेगा हेड स्टॉक या टेल स्टॉक की तरफ, जब हमारी जो डायरेक्शन है उसके उससे संबंधित, या इस तरफ या इस तरफ। तो कैरिएज में हमारी टूल है, अगर हम थ्रेड कटिंग करेंगे तो हमें टूल को एक डिफिनाइट पाथ देना पड़ेगा, ताकि वो टूल जो है वो एक पाथ में जाके थ्रेड को कट सके। तो हाफ नट को एंगेज करने से क्या होगा, हमारा जो कैरिएज है वो टूल को आगे लेके जाएगा, और टूल हमारी सेट है जॉब के ऊपर, तो जॉब में वो कट करके जाएगा आगे। हमारा हम जब थ्रेड को काटेंगे उसका जो पीच होगा उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, उस पिच को एडजस्ट करने के लिए हमें जो चेंज गियर है इसका रेशियो हमें बदलना पड़ेगा। इस चेंज गियर का रेशियो बदलने के लिए हमें लेद मशीनों के ऊपर एक चार्ट दिए जाते हैं, जिसमें कुछ गियर्स होते हैं जिसके कुछ लिवरों को घुमाने से हम वो स्पीड गेन कर सकते हैं, और उससे उस पिच हमारा मिलेगा। तो उस चार्ट को देख के हम गियर को एडजस्ट करेंगे, और गियर को एडजस्ट करने से टूल का जो स्पीड है वो एडजस्ट हो जाएंगे, और टूल का स्पीड एडजस्ट होने से हमारा जो पिच है वो हम गेन कर सकते हैं। तो जब टूल हमारी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये जितने हमें थ्रेड चाहिए एक जब के ऊपर, जितने लेंथ की थ्रेड हमें चाहिए वो जाएगा। ऐसे हम दो चार स्टेप करके जो थ्रेड का जो डेप्थ है उसे अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे हम थ्रेड काटते हैं लेद मशीनों में, कैरियज को रिवर्स या फॉरवर्डली हम मूव करके हमारी जो टूल है उसे आगे और पीछे ले जाके हमारी जो थ्रेड की डेप्थ है उसे हम टूल का जो डेप्थ ऑफ काट है उसे एडजस्ट करके हम
ये जो थ्रेड है वो गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है थ्रेड कटिंग लेद मशीनों में। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़रूर एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकॉन, और शेयर कीजिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी लर्निंग करने का मौका मिले। थैंक यू दोस्तों।